Hello everyone, welcome to my channel. Let's make mechanical design easy and effective. I'm Hani and I'm a mold tool designer. चलिए आज hexagon grill बनाते हैं हम, ठीक है? NX में चलते हैं. सबसे पहले sketch लेते हैं. ये plane पे circle लेते हैं. Diameter 600 डालते हैं. Okay. ठीक है, इन दो लाइन डालना है अपने को. ये अपना स्केच था, दो लाइन हमने डाला. ये लाइन का काम नहीं, कन्वर्ट रेफरेंस के लिए बस चाहिए. रेफरेंस में कन्वर्ट कर दिए, कन्वर्ट रेफरेंस करके राइट क्लिक करके, ठीक है, ट्रिम कर देते हैं इसको. ठीक है, ये और ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल सेम कर देते हैं. एंगल देने का इसमें और इसमें 60 डिग्री दे देते हैं. ओके, फिनिश स्केच. स्वीप कमांड का ये या रिवॉल्व से कर सकते हैं. वेक्टर वाई पॉइंट 0 डाल दिए. पूरा रिवॉल्व यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में पूरा रिवॉल्व होता है, ठीक है? तो हम लोग -40 +40 यहाँ वैल्यू डाल के करेंगे. ओके, के बाद एक हेक्सागन बनाने का अपने को. ये सरफेस पे प्लेन लेते हैं, टेंजेंट. यहाँ पे टेंजेंट प्लेन, ये इसका रेफरेंस का एक प्लेन देना पड़ता है. एक प्लेन देते हैं. ओके, स्केच ड्रॉ करते हैं. और ये स्केच लिए है, ठीक है? भी अपने को क्या लेने गए, हेक्सागोन. ये पॉइंट सेलेक्ट किए, ठीक है, ठीक लगे अभी ये. और ये एक्सिस को पैरेलल कर देना, ठीक है? इसको 10 mm तक रखते हैं अपन, 10. ओके, फिर स्केच ये हो गया. इंसर्ट ड्राइव को प्रोजेक्ट करेंगे ये कर्व को, ये सरफेस पे, ठीक है? अलोंग फेस वॉल. ओके, ठीक है. अभी यहाँ पे एक बॉडी हम ऑलरेडी बना के रखे हैं एक्स्ट्रा, तो स्केच को हाइड करते हैं. रिवॉल्व हाइड है, एक एक्स्ट्रा बॉडी रिवॉल्व का सेम है. रिवॉल्व कैसा दिखता है देखते हैं दूसरा टाइम में. ये रिवॉल्व था और ये उसका सेम पार्ट है, ठीक है? इसमें अपने को एडिट करना है. इंसर्ट ट्रिम, ट्रिम शीट, शीट ले बॉडी और ये बाउंड्री डिस्कार्ड. ओके, ठीक है. अभी अपने को इसको पैटर्न करना है. इंसर्ट पैटर्न फीचर, एसोसिएट कॉपी पैटर्न फीचर. पार्ट सेलेक्ट कर लिया ऐसा, सर्कुलर, वेक्टर एक्स 6 और पिच 3. ओके, डन. डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं. अभी क्या है कि हम एक पैटर्न किए, अब ये पैटर्न के अंदर भी हम सब पैटर्न कर सकते हैं. और कैसे, राइट क्लिक मारेंगे इस पे, क्लॉक. वो कैसे, यहाँ पे यूजर डिफाइन, एंगल वेक्टर वाई देंगे, ठीक है? इधर 1.75. ओके, ये 0 लेंगे.
ओके ठीक है। इसी तरह से इसका भी क्लॉक, यूजर डिफाइन, एंगल वेक्टर वाई, सेम सेंटर कोऑर्डिनेट और एंगल 1.75। ओके वन मोर वी हैव टू डू, लास्ट वन, राइट क्लिक, क्लॉक, यूजर डिफाइन, एंगल वेक्टर शुड बी वाई एंड एक्सिस पॉइंट द मीन ऑर्डिनेट पॉइंट एंड एंगल शुड बी 1.75। ओके सो वी आर डन, लेट्स प्रेस इट, ओके या नाउ वी हैव टू टेक एन नोट, सो द कमांड विल फाइंड ऑन इंसर्ट ऑफसेट और थिकन, ये कमांड मिल गया, इसको 1 mm ऊपर प्लस वन एम एम माइनस, अप्लाई ओके वापस इसको पैटर्न करना है। इसमें जाएंगे क्विक एक्सेस टूल में, लास्ट टूल जो यूज किए वो यहाँ पे शो करेगा, सेलेक्ट कर लिए वेक्टर, ओके बॉय वेक्टर लिए 0, ओके इस पर काउंट रखेंगे 9, पिच कितना 3.5 रखेंगे, ओके ठीक है, भी क्या आगे, ओके अभी इसको मिरर करेंगे मिरर कमांड से, पैटर्न यस ठीक है। शिट इसमें तीन एक्स्ट्रा चूज करना है, कौन सा 1, 2 और 3, तो अभी कवर हो गया ठीक है, ओके पैटर्न हो गया। अब शी को सेम इस साइड भी मिरर कर देंगे, कैसे करेंगे, मिरर कमांड आपके ऑलरेडी ज्योमेट्री मिरर, और ये इसमें मिरर करने टाइम सेंटर वाला सारा लाइन छोड़ देंगे क्योंकि वो सेंटर में ही है, सेंटर का पूरा ब्लॉक छोड़ दिया, प्लेन वाई प्लेन सॉरी एक्स प्लेन, ओके ठीक है ये मिरर हो गया। क्या करेंगे, शीट ले आते हैं और ये प्लेन ले आते हैं, फिर अब ये प्लेन पे स्केच करने हो गया, अभी ये सेम ये वाले प्लेन पे स्केच करने का अपने को, ओके सेंटर लेना है, F8 160 रखते हैं, उसे 160 ओके 290 ओके नेक्स्ट स्केच। अब इसे इस वाले सरफेस पे प्रोजेक्ट करते हैं, इंसर्ट डिजाइन कर्व प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्ट ये रहेगा ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट हो गया है ऐसा दिख रहा भी, ये हटाते डेटा हम हाइड करते हैं, इंसर्ट ट्रिम ट्रिम शीट और ये प्रोजेक्टेड कर्व्स इसको ट्रिम कर देते हैं, अभी इसके अंदर है ठीक है, ये अपन क्या करते हैं थोड़े देर में इसको हाइड करते हैं और थिकन करते हैं वो शीट को, इंसर्ट ऑफसेट थिकन 1 mm वो था तो इसको 0.5 तक रख सकते हैं, 0.5 टैब माइनस 0.5 ओके मिरर
जो हाइट वाला वो शो कर लेते हैं। ओके तो भी थिकन को ये सबसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अभी इसमें कौन कौन सा सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा वो हटाना होगा अपने को। ये इधर का इतना पैटर्न ठीक है और इधर का इतना हो रहा है। थोड़ा टाइम ले रहा है सब्ट्रैक्ट होने में। हो गया सब्ट्रैक्ट। कंट्रोल डबल करके सब स्केच डेटम कर्व स्केच फेस को हाइड कर देते हैं। ओके तो ये अपना बन गया अभी ऐसा ठीक है। तो ये हेक्सागन बन गया अभी हमारा। तो चलिए शीट जो ड्रिम किए थे उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा बॉर्डर देने के लिए ठीक है। एक्सटेंड करते हैं 4 रन तक ठीक है। एक्सटेंड माइज न्यू फेस एक्सटेंड माइज न्यू शीट करना होगा अपने न्यू शीट। तो अभी ये पुराना शीट हाइड कर देते हैं। ओके अभी ये इंटरनल इसको इनसाइड 1 mm इनसाइड ऑफसेट करते हैं। ठीक है अभी इसको थिकन करते हैं। ये 1 mm तक थिकन 2 mm तक थिकन करते हैं इसको। ओके ठीक है अब इसको यूनाइट कर देते हैं इससे आपको रेडियस वगैरह डालना पड़ेगा। रेडियस वगैरह डाल सकते हैं अपन। इसमें मेन फंक्शन था पैटर्न फीचर सीखने का ठीक है। तो आई होप आप लोग पैटर्न फीचर सीख गए हो अभी तक। अगर ये एज लेने में प्रॉब्लम होगा तो यूनाइट करने से पहले एज ले लेंगे। बाहर का डायमीटर बड़ा है तो इसको 15 तक लेते हैं। ये रेडी हो गया एज पर मॉड्यूल। तो ये अपन देख सकते हैं ये रेडी हो गया ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू एंड गुड लक।